हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पैथिज्म। पैथिज्म क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ। पैथिज्म बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नो गॉड, यानी कि गॉड कोई नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैथिज्म। तो वर्ड्सवर्थ उस कॉन्सेप्ट को लेकर लिखते थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आंसर डिस्क्राइब करने वाली हूँ। वर्ड्स वर्थ एज अ पॉइंट ऑफ नेचर जो है वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये क्या कहते हैं, एवरी थिंग इज़ गॉड एंड गॉड इज़ एवरी थिंग। हर चीज़ क्या है, वो खुदा है, और खुदा क्या है, हर चीज़। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ भाई? अगर इस कॉन्सेप्ट को ये लेके चलते थे तो ये कहते हैं देर इज़ नो अदर गॉड, यहाँ पर कोई दूसरा खुदा नहीं है। खुदा कौन है? नेचर। वो नेचर को क्या मानते हैं? अपना खुदा मानते हैं। द यूनिवर्स नेचर, यानी कि जो यूनिवर्स है और जो नेचर है, यूनिवर्स नेचर और जो गॉड है, ये क्या है? आर थस इंटरचेंजेबल थिंग्स, यानी कि वो एक ही चीज़ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो इंटरचेंजेबल हैं, वो बदलते रहते हैं भाई। वो कोई एक चीज़ नहीं है, हम कह लें गॉड, ये ऐसा कोई बिलीव नहीं है। दिस बिलीव स्टेट्स दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। और अगर हम इस बिलीव को लेकर चलें, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, तो इसके मुताबिक तो ये है कि जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब में कौन है? खुदा है। इन अ ब्रॉडर सेंस, अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, इट क्लेम्स दैट गॉड एंड द मटीरियल वर्ल्ड आर द सेम थिंग्स। तो अगर हम इसको ब्रॉडर वे में देखें तो वहाँ पर क्या है, ये दावा इस बात का कह रहे हैं कि जो गॉड है यानी कि जो खुदा है और जो मटेरियल वर्ल्ड यानी कि इस वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी वो सब क्या है, वो सेम थिंग्स हैं। एंड दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन एवरी थिंग, और जिसकी वजह से गॉड हर चीज़ में प्रेजेंट है, हर चीज़ में खुदा मौजूद है। जो कि कॉन्सेप्ट ना तो हिंदुज़म में है, ना तो इस्लाम में है, ना किसी और चीज़ में है, लेकिन इनने अपना ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि गॉड हर चीज़ में और हर चीज़ खुदा है और खुदा हर चीज़ है। बस यही उनका कॉन्सेप्ट था। एवरी थिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, रॉक्स एंड वाटर, इज़ आइडेंटिकल टू डाइविनिटी। अच्छा, डाइविनिटी की अगर हम बात करें तो ये रिलीजियसिज्म में आ जाता है, ठीक है, वो रिलीजन से इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इनके कॉन्सेप्ट को लेकर चलें ना कि जो गॉड है वो हर चीज़ में, तो इस तरह तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक जो ट्री है हम उसकी ही लकड़ी को तोड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो गॉड है वो ट्रीज़ में, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ट्रीज़ को काटते हैं, ठीक है, उनका बेड बनाते हैं, उनको पता नहीं किचन में लगाते हैं, उनकी और लकड़ी की चीज़ें बना के हम घर में इस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रॉक्स की बात करें तो हम उसको तोड़ के हम तो गाड़ के मार्बल बना के उस पर चल रहे हैं। ये तो कोई कॉन्सेप्ट ना हुआ। पैथिस्ट डोंट बिलीव इन द डिस्टिंक पर्सनल और एंथ्रोमॉर्फिक गॉड। एंथ्रोमॉर्फिक गॉड की अगर हम बात करें तो वो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिनको हम गॉड लाइक क्वालिटीज असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो क्रिश्चियन है, सॉरी क्रिश्चियन नहीं, अगर हम चाइनीज़ को देखें तो वो किसी गॉड पर बिलीव नहीं करते। वो हर साल के लिए अपना एक कोई एनिमल, कोई पेट ऐसा चूज़ कर लेते हैं और उसको कहते हैं हमारे इस साल के लिए ये खुदा होगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जैसे अगर हम हिंदुइज़्म में देखें तो उनके यहाँ जो एक ब्लैक कलर का पत्थर होता है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से बुद्धिज़्म में है, तो उसको वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर सारी गॉड लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो उस चीज़ पे वो बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। इट इज़ समवट रिलेटेड टू एमिनिज्म। एमिनिज्म की अगर हम बात करें तो ये दुश्मनी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी के रिलीजन पे बात करने का हमें कोई हक नहीं है। तो विच सजेस्ट डैट देयर इज़ कॉन्शियसनेस इन नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। और ये सजेस्ट करते थे कि जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो होश रखते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। बोथ दीज आइडियाज रिलेटेड टू द पैगन व्यूज़। पैगन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ख्यालात को बोलते हैं पैगन व्यूज़।
तो अगर इनके दोनों आइडियाज़ को हम लेके चलें तो वो पैगन व्यूज़ ऑफ रिलीजन आ जाता है कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू है वो अगर इस किस्म की कोई बात करता है तो लोग कहेंगे ये तो हमारे रिलीजन का दुश्मन है, अगर कोई इस्लाम में ऐसे बात करेगा वहाँ पे भी लोग यही बोलेंगे। तो उनके दोनों ही आइडियाज़ कुछ इस तरह के थे। इन विच नेचर इज़ एडोर्ड एज स्केयर्ड, जहाँ पर नेचर क्या थी मतलब उसको स्केयर्ड पसंद, एडोर्ड यानी कि पसंद किया जाता है एज स्केयर्ड, डराने वाली। एंड मल्टीपल गॉड्स आर सीन एज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्मोस एंड द अर्थ, कॉस्मोस वर्ल्ड को बोलते हैं ठीक है, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को और इस अर्थ को। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बहुत ही ईजी आगे से, वर्ड्सवर्थ एंड पैथिज्म, ये एक हेडिंग है तो इसको डिस्कस करते हैं। इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री नेचर इज़ अ फ्रीक्वेंट टॉपिक, नेचर क्या है वो है फ्रीक्वेंट टॉपिक, यानी कि नेचर पे ही वो बात कर रहे हैं, वही बार बार आने वाला टॉपिक है। एंड स्केयर्ड नेचर ऑफ लैंडस्केप इज़ अ सेंट्रल थीम, और लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो अ पिक्चर ऑफ नेचुरल सीनरी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी माउंटेन्स वगैरह किसी मतलब उसकी पिक्चर हो ना तो उसके उस पे ही वो बात करते हैं कि ऐसे है वैसे है या खूबसूरत है और ये सब कुछ ऐसे है। रोमांटिक पोइट्स लाइक कीट्स, शेले, कॉलरिज विद वर्ड्सवर्थ एज अ लिटरेरी आइकन इन रोमांटिक पोइट्री डिस्क्राइब नेचर एज करेक्टराइज बाय विकॉल पैथिज्म। जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, देखो रोमांटिक पोइट्स सिर्फ ये नहीं कहते कि वो सिर्फ फीमेल पर ही लिखते हैं, रोमांटिक पोइट्स नेचर पे भी काफ़ी लिखते हैं। तो कीट्स, शेले, कॉलरिज इन सब ने भी नेचर पे लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। तो अब ये नेचर को सिर्फ पैथिज्म की तरह ही डिस्क्राइब करते हैं। पैथिज्म मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि गॉड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गॉड। वो नेचर की खूबसूरती कुछ इस तरह से बताते हैं कि भाई जो नेचर है वही उनकी खुदा है, वही उसने ही उनको बनाया है, इस तरह ये लोग बताते हैं। विच इज़ ए बिलीव डेट एवरी थिंग कम्पोज एज इमेनेंट गॉड, इमेनेंट बोलते हैं गैर यकीनी ठीक है, अनबिलीवेबल गॉड। और नेचर इज़ आइडेंटिकल विद डिविनिटी, यानी कि डिविनिटी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रिलेटेड टू रिलीजियस ठीक है, सॉरी रिलीजन। तो यहाँ पर जो कि बिलीव करती है कि यहाँ पर कोई वो गैर यकीनी मतलब कोई गॉड नहीं है सही वाला ठीक है, एवरी थिंग कम्पोज एज गॉड, मतलब उसको हर चीज़ को ना खुदाई मानते हैं ठीक है, लेकिन जिसका कोई यकीन नहीं कर सकता। आप मेरी बात सुनो, कोई दरख्त को अपना गॉड क्यों बनाएगा। लेकिन ये जो पोइट्स हैं इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे गॉड हैं, वो हमारे गॉड हैं ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है ऐसा ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंटर्न अबे, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएम इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ पर्टिकुलर लैंडस्केप दैट वर्ड्सवर्थ सा एज अ स्केयर्ड प्लेस। तो यहाँ पर ये जो है ये उनकी एक पोएम है ठीक है, जो कि ब्यूटी से इंस्पायर हुई हुई है, नेचुरल ब्यूटी से। किसकी ब्यूटी? लैंडस्केप की, जो कि वर्ड्सवर्थ ने देखा और उसको एज अ स्केयर्ड प्लेस मतलब उनको वो लग रहा था, और उस पर उन्हें पूरी वाली अपनी क्या कह रहे हैं पोएम लिखी है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पैथिज्म हैज़ बीन डिस्कस्ड मोर वाइब्रेंटली इन इट, तो वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने ये महसूस किया अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय, एक ऐसी प्रेजेंस जो कि मुझे तंग करती है जॉय के साथ, खुशी के साथ ठीक है। ऑफ एविलेटेड थाट, यानी कि टूटे फूटे थाट्स के साथ, अ सेंस सबलाइम, सबलाइम बोलते हैं सॉरी एविलेटेड बोलते हैं बुलंद थाट्स के साथ ठीक है, यानी कि ऊंचे ख्वाबों ख्यालों के साथ। एंड सेंस सबलाइम, सबलाइम बोलते हैं शानदार सोच के साथ। और समथिंग फॉर मोर डीपली इन्फ्यूज, कुछ ऐसा जो कि आगे जाके बहुत ही डीपली मेरे अंदर क्या कह लें इंटरफेयर कर रहा हो, मेरे अंदर मुदाखलत कर रहा हो। हुज डिवेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जो रहता है सन की रोशनी के अंदर, एंड द राउंड ओशन और राउंड ओशन के अंदर, एंड लिविंग एयर और चलती हवा के अंदर, एंड द ब्लू स्काई और ब्लू स्काई के अंदर, एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और आदमी के दिमाग में।
ये उनका एक पैसेज है टिंटिन एब्बे का, जिसमें जो कि जिसकी मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों को कर दिया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन दिस पैसेज वर्ड्स वर्ड डिस्कसेस मैंस रिस्पॉन्स टू नेचर, एक आदमी का नेचर से रिस्पॉन्स उसको वो डिस्कस करते हैं। वेयर मैन सीज गॉड इन स्पिरिट एंड एवरीवेयर, जहाँ पर जो आदमी है यानी कि जो इंसान है वो गॉड को देखता है स्पिरिट के अंदर, रूहानियत के अंदर और हर चीज़ के अंदर। गॉड और द प्रेजेंस, गॉड और उसकी मौजूदगी जो है इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिवेलिंग इन द सन। अब यहाँ पर वही पूरा उसको ही डिस्क्राइब किया हुआ है, ये जो मैंने आप लोगों को एक मिनट में बता दिया। तो इस पैराग्राफ को छोड़ें, अब बस हम इसकी कंक्लूजन देख के आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर और भी है, अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर होली कुरान की थोड़ी वर्स देख लेते हैं, सो वट एवर इज़ इन द हेवंस एंड ऑन द अर्थ, जो कुछ भी जन्नतों में और अर्थ में है यानी कि ज़मीन पर, डिक्लेयर्स द प्रेज एंड ग्लोरी ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह की तारीफ और उसकी बुलंदी को क्या करती है, जाहिर करती है, ठीक है, उसको डिक्लेयर करती है। फॉर ही इज़ एक्साइटेड इन माइट एंड डिवाइस, जो कि हमें नज़र आ रहा है उस सब में, हमारी अकल में हर चीज़ में क्या है, अल्लाह है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वर्ड्स को लेकर देखें तो नेचुरल एलिमेंट्स डिक्लेयर्ड द प्राइज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, वो उसकी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, वो अल्लाह की या वो गॉड की मतलब ग्लोरी को बयान करते हैं, उसकी शान व शौकत को, उसकी बुलंदी को बयान करते हैं, ठीक है। दे डोंट रिप्रेजेंट गॉड, वो ये नहीं है कि यही खुदा है, ये बात नहीं है। कोई भी जो चीज़ खुदा ने बनाई है वो खुदा नहीं है, लेकिन वो उसकी शान व शौकत को बता रही है कि देखो मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हूँ और मुझे उस खुदा ने कैसे बनाया होगा, सोचो वो कितना अजीम है, ठीक है। इस तरह वो हर चीज़ को यानी कि बता रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने समझाया। समझ में ना आए ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।